नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8 साइंस ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धान की फसल है, ऑप्शन पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद और चौथा है क एवं ख दोनों। तो क्या है इसका सही आंसर, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो धान की फसल क्या है, खरीफ फसल होगा, क्योंकि धान की फसल वर्षा के दिनों में बोई जाती है और वर्षा के दिनों में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल बोलते हैं। इसी तरह से जो फसल जाड़े के दिनों में बोई जाती है रबी फसल होता है, और गर्मी के मौसम में जो फसल बोई जाती है जायद फसल कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ख खरीफ फसल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चना की फसल है, खरीफ रबी जायद इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या हो जाएगा, रबी फसल, क्योंकि चना जाड़े के दिनों में बोई जाती है। तीसरा प्रश्न है, उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है। इसका ऑप्शन नंबर ख क्या है, सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं, जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो खेतों से अगर हम लोग खरपतवार को हटाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, निराई बोला जाता है। इसका ऑप्शन ग सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, अनाज का भंडारण किया जाता है, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यह प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही ही दे दिया है। तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन होना चाहिए जिसमें होता इनमें सभी, ठीक है। तो इनमें सभी इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन डी सही है, विषाणु। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, प्लेज्मोडियम, ईस्ट, सेवाल, लैक्टोबैसिलस। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न लेते हैं, मलेरिया रोग का कारण है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, ऑप्शन देखिए, संदूषण, किण्वन, परीक्षण, संक्रमण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है, किण्वन, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ईस्ट। अगला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों एवं उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है, जैव विविधता, पर्यावरण, अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता। अगला प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, कृषि, चारागाह, शिकार, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, अभयारण्य में क्या मना रहता है, शिकार। तो ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो राष्ट्रीय जलीय जीव किसको माना गया है, डॉल्फिन को माना गया है, ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कांवर पक्षी विहार स्थित है, मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। कहाँ पर है? ऑप्शन चार बेगूसराय सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं दो जीव, तीन जीव, कोई जीव नहीं, एक जीव। तो अलैंगिक प्रजनन है तो अलैंगिक प्रजनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक ही जीव भाग लेते हैं। तो ऑप्शन चार इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं दो नर जीव, एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी, दो मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है इसका? ऑप्शन टू सही हो जाएगा, एक नर एवं एक मादा। अगला प्रश्न लेते हैं, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर, नर शरीर के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक निषेचन कहाँ हो जाएगा? मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है, मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शीशन, शुक्रवाहिनी। तो मादा के शरीर में क्या होता है? गर्भाशय होता है। तो ऑप्शन टू सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको पीटकर, किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। किसको पिघलाकर हम नया रूप दे सकते हैं? तो लोहा हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सही विकल्प देखिए, जिंक है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सल्फर, सोना, फास्फोरस, कार्बन। तो पतले तार की बात हो रही है तो सोना को कर सकते हैं। ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा, सोना, तांबा। चौथा विकल्प क्या है? चांदी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव रक्त में क्या होता है? लोहा होता है ना, लोह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरा अवस्था की अवधि है 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 19 वर्ष से 45 वर्ष, 15 वर्ष से 50 वर्ष। तो किशोरा अवस्था किसको बोलते हैं? 11 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था को किशोरा अवस्था बोला जाता है। ऑप्शन टू सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, एक तथा तीन दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का, पुरुष हार्मोन। अगला है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है जिसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? 11 से 13 वर्ष में। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ठोस माध्यम तथा निर्वात, ये तो नहीं जाएगा, द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम, गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम, ठोस तर तथा गैस, तीनों माध्यम। तो यहाँ पे ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति। तो यहाँ पे क और ख दोनों हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम की भी नहीं सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकते हैं। तो क और ख दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर घ। और अंतिम प्रश्न है, किसी कंपित वस्तु पर अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो साइंस के सभी प्रश्नों का आपने देखा इस वीडियो में आंसर। अगले वीडियो में सोशल साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर की लेकर के आएंगे। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक करें।